प्रवासी साहित्यकार उषा प्रेमोदा की एक बहुत चर्चित कहानी है वापसी। इस कहानी में चित्रण किया गया है भारतीय परिवारों में वृद्धों की बदलती हुई स्थिति का। यह कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वृद्धों को अपने विचारों पर अड़िग रहना चाहिए या नई पीढ़ी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, या नई पीढ़ी को भी यह सोचना चाहिए कि बड़ों का आदर करना ये हमारी संस्कृति है। तो आज की चर्चा का विषय है उषा प्रेमोदा की कहानी वापसी। उषा प्रेमोदा आधुनिक हिंदी की प्रमुख महिला कथाकारों में से एक है। उनके कथा साहित्य में शहरी परिवारों की समस्याओं का चित्रण है, आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलेपन तथा आधुनिक समाज में बदलते सामाजिक मूल्यों का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। कहानी का सारांश। वापसी यह उषा प्रेमोदा की बहुत चर्चित कहानी है, जिसमें एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी गजाधर बाबू के माध्यम से व्यक्ति के अकेलेपन को तथा समय के साथ बदली नई पीढ़ी की मानसिकता को चित्रित किया गया है। कहानी के अन्य पात्र इस तरह हैं: गजाधर बाबू की पत्नी, बड़ा लड़का अमर, उसकी पत्नी, छोटा लड़का नरेंद्र और लड़की बसंती। गजाधर बाबू 35 वर्षों की रेल की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अपने घर जाते हैं। अपनी नौकरी में अधिकतर उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ा है। 35 वर्ष उन्होंने अकेले रहकर काटे, अपने परिवार की खुशी के लिए त्याग किया। उन अकेले क्षणों में यही कल्पना करते रहे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। रिटायर होने पर सरकारी क्वार्टर्स खाली करते हुए उनका मन थोड़ा बहुत दुखी होता है, परंतु दूसरी तरफ अपने परिवार के साथ रहने की कल्पना के कारण वे खुश भी हैं। पर घर आते हैं तो अपने ही घर में पराया महसूस करते हैं। बेटे नरेंद्र का उल्लसित नाच खेल, बसंती का हंसना, बहू का बिना घूंघट का उन्मुक्त रूप, परंतु गजाधर बाबू को देखकर सभी सकपका जाते हैं। उनके आने से किसी को खुशी नहीं होती, यहाँ तक कि पत्नी भी रसोई में ही व्यस्त और अपने पति के प्रति उदासीन दिखती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। उनके अस्तित्व को कोई स्वीकार नहीं कर पाता। गजाधर बाबू के घर जाने से पहले उनका बड़ा बेटा अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था। अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। पड़ोस में सहेली शीला के घर देर तक रहना बसंती की आदत थी। बहू कुछ काम नहीं करती थी, सास दिन भर काम में लगी रहती थी। छोटा बेटा नरेंद्र अपने ही ढंग से जीवन जी रहा था। बाजार का सारा काम नौकर करता था। उनके घर का रहन सहन और खर्च हैसियत से कहीं ज्यादा था। घर की संपूर्ण स्थिति में पैसे देने के अतिरिक्त गजाधर बाबू का कोई स्थान नहीं था। गजाधर बाबू घर का खर्च देखते हैं, सोचते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, आमदनी कम है तो खर्चा भी कम होना चाहिए, इसीलिए पत्नी को घर का खर्चा कम करने का सुझाव देते हैं। तब पत्नी गुस्से में कहती है, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़गाड़ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। पत्नी के जवाब का रूखापन और सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को खटकता है। वैवाहिक जीवन के आरंभिक दिन उन्हें याद आते हैं, तब पत्नी उनसे कितना प्रेम करती थी, पर अब लगता है कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। लड़की बसंती घर का काम नहीं करती, पड़ोस में शीला के घर जाकर बैठती है। जब गजाधर बाबू डांटते हैं तो उनसे बात करना बंद कर देती है। पिता की घर में उपस्थिति तथा हर मामले में दखल देना अमर को अच्छा नहीं लगता और वह अलग रहना चाहता है। छोटे बेटे नरेंद्र की प्रतिक्रिया है, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। घरेलू मामलों में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करते हैं। तब गजाधर बाबू सोचते हैं कि परिवार में उनका कोई महत्व नहीं है। यह भी महसूस करते हैं कि वे अपने परिवार के लिए केवल पैसा कमाने के साधन मात्र रह गए हैं। परिवार के सदस्यों की, मुख्य रूप से पत्नी की उपेक्षा वे सहन नहीं कर पाते और एक बार फिर घर से वापसी कर जाते हैं। सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करने के बहाने फिर से घर वालों से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे खुद परिवार से दूर चले जाते हैं, इसलिए दयनीय नहीं दिखाई पड़ते बल्कि कठोर लगते हैं। गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण।
गजाधर बाबू इस कहानी के केंद्रीय पात्र या नायक हैं। पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का उद्देश्य गजाधर बाबू के चरित्र को उभारना नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से परिवारों में वृद्ध लोगों की बदलती स्थिति को दर्शाना है। गजाधर बाबू खुद को घर का मुखिया मानते हैं, चाहते हैं कि उनकी इच्छा और आदेश ही पूरे परिवार के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। वह इसका प्रयत्न भी करते हैं कि घर के सभी सदस्य उनके कहे अनुसार चले। इसका अर्थ यह नहीं कि गजाधर बाबू कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वे सहृदय और संवेदनशील व्यक्ति हैं। अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति वे स्नेह का भाव रखते हैं। रेलवे क्वार्टर्स के कर्मचारी गणेशी का उदाहरण हमारे सामने है, जिसको वे बहुत ही प्रेम से याद करते हैं। अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में गहरा लगाव है और पत्नी को लेकर कई मधुर स्मृतियाँ उनके मन में बसी हुई हैं। अपने बच्चों के प्रति भी स्नेह का भाव उनके मन में है। उनमें अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोध है, इसी वजह से वे बच्चों को टोकते हैं। लेकिन उनकी इस भावना को बच्चे समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि पिता उन पर शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें गजाधर बाबू की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। इसमें थोड़ा बहुत दोष गजाधर बाबू का भी होता है। माता पिता और बच्चों में जिस तरह का संवाद होना चाहिए, उसका अभाव भी नज़र आता है। बेटी बसंती का उदाहरण लिया जा सकता है। अपनी पत्नी के काम के बोझ को हल्का करने के इरादे से जब गजाधर बाबू यह फरमान जारी करते हैं कि सुबह का खाना बहू बनाएगी और शाम का खाना बसंती, तो बसंती इसका विरोध करती है। नौकर को गजाधर बाबू अचानक काम से निकाल देते हैं। यह सब गजाधर बाबू के व्यक्तित्व की कमजोरियों को इंगित करता है। गजाधर बाबू का जीवन संबंधी नजरिया परंपरावादी है। उनका मानना है कि स्त्रियों का कर्तव्य घर में रहना और घर के काम में हाथ बटाना है। यही नजरिया उनकी पत्नी का भी है और इसी कारण वह अपने पति से इसकी शिकायत भी करती है, लेकिन उसने बदली ही हुई परिस्थितियों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, इसीलिए गजाधर बाबू अकेले पड़ जाते हैं। कहानी की विशेषता। वापसी कहानी में मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। वृद्धावस्था में परिवार और पत्नी का साथ चाहने वाले व्यक्ति के साथ जब ऐसा होता है तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है। वापसी यह केवल पारिवारिक विघटन की कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन के अकेलेपन की पीड़ा का संकेत है। आधुनिकता ने जीवन मूल्य बदल दिए हैं, आपसी संबंध बिखर गए हैं। रूढ़ियों तथा परंपराओं से अपने आप को मुक्त करने के प्रयासों में आदमी अकेला बनता जा रहा है। न कोई बहुत बड़ा कथानक, न काव्यात्मक शब्दावली, न बहुत सारी घटनाएं, न चरम सीमा और न आरंभ और अंत में कोई चमत्कार, फिर भी कहानी अपना प्रभाव छोड़ जाती है और यही इस कहानी की सफलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।